देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हजारीबाग रोड स्टेशन पे बाहर, ये झारखंड का स्पेशल मिठाई। फाइनली ये स्टेशन आ गया दोस्तों, ये सूरज भाई मिले हैं, यही सरिया के रहने वाले हैं, तो बस ऐसे ही हम लोग उतरने वाले हैं। आ चुका है हमारा स्टेशन। खेसारी जी क्या कह रहे हैं आप, स्टेशन आ गया है? क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो अल्फाज ही खत्म हो चुका है। बोलेंगे कुछ नहीं भैया, सब खत्म। पकड़िए थोड़ा इधर। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल यार, आइए। ये आ गया है अपना एरिया, अपना छोटा सा प्यारा सा स्टेशन जिसको हजारीबाग रोड स्टेशन कहते हैं। ये आ चुका है अपना एरिया के बात ही कुछ और। हाँ, अपना एरिया का बात ही कुछ है, अपना घर का बात ही कुछ और है। ये आप देख सकते हो ट्रेन इधर खड़ी है। ट्रेन सही है, राइट टाइम। हाँ, राइट टाइम पे पहुँचाया है, सबसे बड़ी बात है ट्रेन का। ये आप देख सकते हो आनंद विहार, रांची टू आनंद विहार यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। अभी मैं हजारीबाग रोड स्टेशन के बाहर की तरफ जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। अभी देखते हैं चाय किधर मिलेगा भैया, इधर की साइड या इधर की साइड? सही नहीं, अभी मिलेगा या नहीं? अरे यार, अच्छा इधर मिल सकता है। अच्छा देखते हैं एक बार, शायद इधर चाय मिलेगा, भैया ने भी बताया है। देखते हैं अभी, टाइम पास करने के लिए चाय वाय पीते हैं यार, उसके बाद फिर यहाँ से अगला जो लोकल ट्रेन आएगा वहाँ से जाएंगे पारसनाथ स्टेशन, और पारसनाथ से फिर जाएंगे गिरिडीह। तो ऐसे ही थोड़ा दिक्कत है अभी झारखंड में, थोड़ा ट्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम है, इस पर भारत सरकार अभी ध्यान दे रही है। तो गिरिडीह से भी होके गुजरने वाला है बहुत जल्दी ट्रेन। अभी आप यहाँ बाहर देख सकते हैं, जिनका जिनका घर आ गया है सब अपना अपना गाड़ी पकड़ रहे हैं और अपना बैठ रहे हैं। ये बाहर देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें खुली हुई है। मेरा फेवरेट मिठाई मुझे दिखाई दे रहा है बालूशाही, जो यहाँ का बहुत ही फेमस मिठाई है। तो अभी चल के टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हजारीबाग रोड स्टेशन पे बाहर एक आंटी जी हैं, शायद इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है जिस वजह से ये रात के वक्त जो है नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए कि कोई मेडिसिन वगैरह है ना, इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि इनका इलाज हो सके। और ऐसे रोड पे जो है हो सकता है कोई गाड़ी वाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। शायद घर वालों ने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है, नहीं तो फिर रात के 11:30 बजे अभी ये बेचारी, ये मिठाई का दुकान आप देख सकते हैं, जिनका जिनका स्टेशन आ गया, घर आ गया, सब अपने अपने घर के लिए मिठाई खरीद रहे हैं यहाँ पर लोकल। बढ़िया बढ़िया मिठाई दिख रहा है यहाँ से। हाँ, ये हमारे भैया हैं। कहाँ घर है आपका भैया? गिरिडीह। गिरिडीह कहाँ रहते हैं? जोड़ा पहाड़ी। कुआं का काम करते हैं, पत्थर से बनाते हैं, क्या रसगुल्ला, रसगुल्ले का आइटम है, पीला वाला रसगुल्ला, सफ़ेद वाला रसगुल्ला, ये सब सूखा रसगुल्ला हो गया जिसमें रस नहीं है, और ये सब आपका पेड़ा हो गया। बर्फी है? बर्फी, ये बर्फी है किसका? खोवा वाला बर्फी है, नॉर्मल पिस्ता वाला, पिस्ता वाला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खरीदारों की भीड़, सब लोग अपने अपने घरों के लिए मिठाई लेके जाते हुए। ये झारखंड का स्पेशल मिठाई, गिरिडीह जिला का बलसाही, और क्या बोलते हैं इसको, गाजा, गाजा और बलसाही। अभी मात्र 120 रुपये में आपको 1 किलो मिलता है। चीनी और मैदा से इसको छान के बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी मिठाई। एक बार जो खाता है वो हमेशा इसको खाने के लिए मांगता है। हे दोस्तों, अभी मैं हजारीबाग रोड स्टेशन पे हूँ और आप देख सकते हो एक सामने ट्रेन रुकी हुई है। अभी मैं यहाँ पे, एक ट्रेन आने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पे, जो मुझे लेकर जाने वाली है पारसनाथ रेलवे स्टेशन। तो बस ऐसे ही बैठ के वेट कर रहा हूँ यार, रात के लगभग 1 बजने वाले हैं, 1:30 बजे वो ट्रेन आने वाली है जो। और दोस्तों जो चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप लोग मेरा थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तब थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ाते रहिए मेरा, ताकि मैं काम करने में मुझे मज़ा आए।
I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Of a taxi ride, and we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Hey, dosto, to abhi main Netaji Express mein chadh chuka hoon, jinko to ek Kalka se leke Howrah tak chalti hai, aur Hazaribagh Road se. मुझे पारसनाथ जाना है क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो पारसनाथ में रुकती नहीं, तो मैं एक स्टेशन पहले उतर गया और मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, तो अब मैं अभी इससे पहुंचने वाला हूं बस 10 मिनट में. Hey, दोस्तों आ चुका है फाइनली पारसनाथ स्टेशन. आप देख सकते हो ट्रेन खुल चुकी है. ये पीछे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे पारसनाथ. देखा आपने, अब ये कलकत्ता की तरफ जा चुकी है ट्रेन, हावड़ा की तरफ, और मैं अपने घर की तरफ यहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ. तो बस कुछ ऐसा ही है. रात के 2 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी शांत शांत है और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ इस पेड़ से आ रही है. इस पेड़ से चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है. आज स्टेशन के बाहर चलते हैं और देखते हैं चाय वाय बन रहा हो तो चाय वाय का आनंद लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मौसम बड़ा ही कूल हो गया है यहाँ पे, मस्त वाला. आई थिंक ये पूरा जंगल का एरिया है. ये चारों तरफ जो है, ये अब चारों तरफ जो है जंगल से घिरा हुआ है पूरा, पहाड़ों से साथ स्टेशन बना हुआ है. क्योंकि यहाँ से पारसनाथ स्टेशन से पारसनाथ जो पहाड़ है यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर, जहाँ पे जो तीर्थयात्री हैं वो आते हैं और उनके लिए सारी यहाँ पे सुविधाएं, स्टेशन और ये सब चीज़ बनाया गया है. तो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ऐसे ही होता है कहीं भी. तो देख सकते हो स्टेशन पे सभी लोग सो रहे हैं. मैं पीछे के कैमरे से आपको दिख, ये सब रात का वेट कर रहे हैं. सुबह होने के बाद जो है सब लोग अपने अपने यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था. हाँ रेडी है, अभी जाएंगे. हो गया पैसेंजर? अच्छा कौन सा वाला? ब्लू वाला जिसमें बैग रखा हुआ है. ठीक ठीक ठीक. हाँ पारसनाथ स्टेशन का सामने का लुक आप देख सकते हैं दोस्तों. इधर एक टिकट काउंटर है सामने, और ये जो पूरा पार्किंग में सब गाड़ी खड़ी है, आप यहाँ से पर्सनल बुकिंग भी कर सकते हो एंड इंडिविजुअल भी आप सवारी के रूप में भी जा सकते हो और आप पूरी गाड़ी भी बुक कर सकते हो यहाँ पे. ये इसकी फैसिलिटी यहाँ पे है. जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ सामने आप देखो चाय वाय बन रहा है. चाय मिल जाएगा भैया? पीछे वीडियो करना. अरे बस बस. अच्छा मटकी में नहीं है क्या? आप लोग भी प्लास्टिक वाला ही चला दिए. कूट कर आता है ना, कूट कर आता है. देख सकते हैं दोस्तों गर्मा गर्म चाय 2 बजे की रात में पारसनाथ स्टेशन पे. सबसे बढ़िया बात है यहाँ 24 घंटा चाय मिल जाता है यहाँ. ये गाड़ी बोला है ब्लू वाला, जाएगा जाएगा, बोला है. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तिलक लगा रखा है, पूजा पाठ हो चुका है मेरा. मैंने मंदिर में भी पूजा पाठ कर लिया. आप देख सकते हो यहाँ पे दीप जल रहा है. अब मुझे नींद आ रही है, थक चुका हूँ मैं ट्रेन के सफ़र में, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया कि कितना ही प्रॉब्लम था यार ट्रेन में.
बहुत ही गर्मी ही, और स्लीपर में सफ़र करना सच में गर्मी के दिनों में बहुत ही मुश्किल है। तो बस आज के वीडियो को यहीं अंत करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चला सोने, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।